जीडीए बोर्ड की 121वीं बैठक अध्यक्ष मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि जीडीए बोर्ड की 121वीं बैठक संपन्न हुई है। बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है, जिसमें शहर का विकास होगा। बैठक में आयुक्त महोदय द्वारा निर्णय लिया गया कि जिले के जो स्थानीय कलाकार हैं, जो कि रंगमंच, म्यूजिक, ड्रामा के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए प्रेक्षागृह को बनवाया गया था, जिसका रेंट 3,50,000 व 1,90,000 था, जिसको देखते हुए स्थानीय कलाकारों के लिए बड़े हॉल का 50,000 व छोटे हॉल का 25,000 कर दिया गया है, जिसके लिए जनप्रतिनिधि भी मांग कर रहे थे, जिनके लिए काफ़ी सहूलियत होगी। इसके अलावा जो महायोजना बन रही है, इसके लिए सभी विभागों से समन्वय बनाते हुए सुझाव लिया जाएगा, उनके सुझाव को महायोजना में शामिल किया जाएगा। साथ ही नागरिकों से भी सुझाव लिया जा रहा है, उनके सुझाव को भी शामिल किया जाएगा। लगभग एक हफ्ते 10 दिन के बाद सभी सुझाव पर विचार करने के बाद महायोजना को बोर्ड के साथ बैठक करके पास कर दिया जाएगा। इस अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, डीएफओ विकास यादव, सचिव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, हमारे यहाँ मंत्री सदस्य के रूप में डीएफओ साहब एवं अन्य अधिकारी तथा हमारे प्राधिकरण के सभी अधिकारी 22/10/21 को संपन्न हुई गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 120वीं बैठक एक कार्यवृत्ति की अध्यक्ष ट्रेनिंग मास्टर प्लान का था, उसमें ढेर सारे वो थे मिस्टर जियानो इंडिया प्रोजेक्ट लिमिटेड था, और उनका डीपीआर एक सप्ताह में फाइनली हमको मिल जाएगा, जो उन्होंने आश्वासन जो दिया है हमको, जिसमें अलग अलग तो कई मिल गए हैं, लेकिन एक समय के रूप से अभी टोटल नहीं मिल पाया सर, तो वो हमको एक सप्ताह में मिल जाएगा। बाकी ई ड्राइव इनिशिएटिव के अंतर्गत क्लीन स्ट्रीट फूड के हब बनाए जाने के ये था सर, तो वो 34 सेट बनाए गए थे, इसमें से 35 का आवंटन हो चुका है सर, एक बचा हुआ है, इसमें कोई आ रहे हैं हाँ सड़क पे रहते हैं सर, तो ये इनिशियल करा लीजिए, सभी लोग लिटरली जो बाउंड्री है बाउंड्री और पूरा मेन वो आ जाते हैं, गली का करा चला लेंगे सर तो आदत हो जाए। दूसरा चीज़ है दाल की पार्ट है, उसी में लोग फेंकते हैं, हमेशा उनको करते हैं वो, मैं कह रहा था थोड़ा थोड़ा बड़ा कैंपेन है सुधार उसको वहाँ पे नेक्स्ट एनजीटी के नोटिफिकेशन के संदर्भ में था सर, कि माननीय एनजीटी न्यायालय के सभी आदेशों का पालन किया जा रहा है, हमारे अपना तैयार की जा रही समाज है तो विद्यालयों के लिए धार की गोरखपुर विकास प्राधिकरण में जो प्रयोग होते हैं, एक आदत हाइड्रोलिक ट्रॉली, दो आदत ट्रक, तीन मशीन, ये सर ले लिया गया है। सर ने बीच में भी बोला था छोटा हाथी नाली सफाई करते हैं, अन्य प्रस्ताव में ले लेते हैं सर, शुरू कर लीजिए, छोटा हाथी आप पास होना चाहिए टाटा, ये चीज़ को आप एक चीज़ और कर लीजिए।
खरीदना ठीक रहेगा या किसी को ठीक रहेगा? तो सस्ता तो वही पड़ेगा ये उससे से तो वर्कआउट कर दिया सर। हाँ ठीक है सर, ठीक है करिए। डिस्पोज करना है उसके लिए जो व्हीकल चाहिए, क्या उसको GDA खरीदना चाहिए या GDA इसको आउटसोर्स करके हम लोग किसी एजेंसियों को नियुक्त कर दें, जब जरूरत पड़ेगा वो प्रोवाइड करेंगे, हम पर किलोमीटर के हिसाब से उसको पेमेंट करेंगे। कोई ऐसा मिल सकता है? नहीं सर, ऐसा कि जो व्हीकल लगाए थे ठीक हो सकता है जो कि ठीक रहेगा। दूसरा ये कि अपना परचेज करें सर, तो पता कीजिए पूरा मामला क्या है। स्टेशन रोड पर दुकानें बनी हुई हैं, उनकी दुकानें तो एक्चुअली हुआ क्या था आप एक्सप्लेन करें। ये दिख रहा है ये स्टेशन रोड देखिए, आज गोरखपुर विकास प्राधिकरण की बोर्ड की बैठक थी और गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री एनजी रघुवर सर जो यहाँ के आयुक्त भी हैं उनके द्वारा आज बैठक संपन्न की गई है और बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है और उसमें काफ़ी अच्छे निर्णय लिए गए हैं जिससे शहर का सुनियोजित विकास होगा। जिसमें जो पहला चीज़ जो यहाँ पर निर्णय लिया गया है आज आयुक्त महोदय द्वारा वो ये था कि जो स्थानीय कलाकार हैं जो यहाँ पे रंगमंच के माध्यम से या अन्य किसी म्यूज़िक या ड्रामा के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं उनके लिए जो प्रेक्षागृह है हमारा, प्रेक्षागृह में अभी जो उसका रेंट था वो बहुत ज़्यादा था, 3.5 लाख रुपए और 1,90,000 था, तो उसको स्थानीय कलाकारों के लिए बड़े हॉल का 50,000 रुपये और छोटे हॉल का 25,000 रुपये कर दिया गया है। इससे जो है जो हमारे जनप्रतिनिधि थे वो भी इसकी डिमांड कर रहे थे और जैसा कि हम सभी को बताया कि हमारे सांसद गोरखपुर के सांसद हैं वो स्वयं कलाकार हैं तो उनकी भी ये डिमांड थी और सभी स्थानीय कलाकारों की ये डिमांड थी, तो इससे काफ़ी एक अच्छा मैसेज आएगा। सर आप किन बिंदुओं पर चर्चा हुई क्या पास? और बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई है कि जैसे कि जो हमारा मास्टर प्लान बन रहा है, मास्टर प्लान का कार्रवाई आगे बढ़ रही है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ये हुआ है कि मास्टर प्लान जो गोरखपुर का बनेगा वो सभी विभागों से समन्वय करते हुए उनका सुझाव लिया जाएगा, उनके सुझावों को मास्टर प्लान में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, इसके अलावा पब्लिक से भी सुझाव लिया जाएगा, उनके सुझावों को उसमें लगाया जाएगा, उसके बाद पूरे शहर का मास्टर प्लान बनाया जाएगा। तो इससे बहुत ही अच्छा रहेगा, सभी विभागों का सुझाव रहेगा और सभी पब्लिक का सुझाव रहेगा तो वो उनके हिसाब से ही बनेगा और गोरखपुर के विकास में बहुत अच्छा एक योगदान रहेगा सबका। महायोजना थी उसके बारे में सर क्या बोर्ड की बैठक में क्या हुआ? जी इसमें जो महायोजना गोरखपुर की विकास की महायोजना जो पूरे शहर की बनाई जा रही है उसमें आयुक्त महोदय का ये निर्देश दिया है उन्होंने कि जितने भी गोरखपुर में विभाग हैं, चाहे वो जल निगम हो, सिंचाई हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो एवं अन्य जितने भी विभाग हैं उन सभी से इस महायोजना में एक बार पुनः उनके सुझाव ले लिए जाए और जो भी उनके सुझाव हैं या जो भी उनकी आपत्तियां हैं उसको जो है इस महायोजना में सम्मिलित कर लिया जाए। तो ये सर ने इसको निर्देशित किया है तो उसी के क्रम में इसमें कार्रवाई शुरू हो गई है। तो जो गोरखपुर के टाउन प्लानर हैं हितेश कुमार वो पिछले एक हफ्ते से हर विभाग में जा जाके उनको अपनी महायोजना में जो भी सुझाव है उसको मीटिंग के माध्यम से ले रहे हैं। तो ये जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब इसको महायोजना को बोर्ड में रखा जाएगा पास होने के लिए। सर ये कब तक प्रस्तावित है होने को? ये जैसे कि मुझे लगता है कि जो जो भी विभागों से उनका कंसल्टेशन लेना है इसमें 15 दिन का समय लगेगा, एक हफ्ते का हो गया है, एक हफ्ता 10 दिन और लगेगा।